हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी का एनालिसिस फॉर टुमारो। तो आज निफ्टी जो है तो 17,000 लगभग 53 पे बंद हुआ है, 150 पॉइंट नीचे, लगभग हम 1% नीचे बंद हुए हैं। और यहाँ मैंने जो ऐसे कहा था कि मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी सेल ऑन राइज, हमने तय किया था कि 200, 250 और 300 के अराउंड जो है तो शॉर्ट जाना है निफ्टी पे। और यहाँ जो है तो वो प्ले आउट हुआ, हमने कल जो है तो लगभग 230 तक हाई देखा था और आज जो है तो हमने लगभग 950 का लो लगाया। तो आपको अच्छा खासा लगभग 300 पॉइंट का डाउन साइड आपको देखने को मिला। यहाँ मेरा व्यू बेरिश रहेगा मार्केट पे, यहाँ सेल ऑन राइज व्यू रखना है निफ्टी पे। यहाँ जो है तो ऊपर रेजिस्टेंस बहुत दूर है, तो यहाँ आपको थोड़ा सा अगर नीचे बेचना है तो रिस्क लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप वेट कर सकते हो। आपको 250-300 के अराउंड बेचना है। आपको जो है तो 400 के ऊपर स्टॉप लॉस, आपकी जो टारगेट रहेंगे 16,900 और 16,600 के टारगेट मेरे इंटैक्ट रहेंगे फॉर द वीक। और यहाँ जो है तो आपको वोलेटिलिटी भी थोड़ी सी देखने को मिल सकती है, मगर अगर आपको सेफली बेचना है निफ्टी तो आपको बेचना होगा 250 से 300 के अराउंड, 400 के ऊपर स्टॉप लॉस 16,900 जो आज फिर से हमने अचीव कर लिया लगभग, और उसके नीचे ब्रेकडाउन होता है। और जब ये ब्रेकडाउन होगा 16,900 के नीचे, मुझे लगता है एक बड़ी सी रेड कैंडल के साथ होगा जो हमें 16,600-16,500 के लेवल दिखा सकता है। आप वीकली चार्ट पे देखोगे तो ये वीक जो है तो थोड़ा सा फ्लैटिश दिख रहा है, क्योंकि यहाँ जो है तो फॉर द वीक हम नेगेटिव है, मगर एक कैंडल आपको ब्लू दिख रही है क्योंकि जहाँ से ओपन हुए थे उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं हम। तो यहाँ लगभग वीक के लिए 124-125 पॉइंट के साथ लॉस के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं, मगर कैंडल जो है तो ब्लूइश हो रही है। मगर मुझे लगता है कि यहाँ जो है तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो गया है, होने के बाद हो सकता है कि ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन दे मार्केट और उसके बाद में फिर से आपको जो है तो डाउन साइड देखने को मिल सकती है। सो आई विल प्रीफर मोस्टली ऑन शॉर्ट साइड। डेली चार्ट पे आप देख सकते हो कि लगभग 280 के अराउंड अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, तो मुझे लगता है कि आपको 250-300 के अराउंड जो है तो यहाँ सेल ऑन राइज व्यू रखना चाहिए, वो भी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। आपके जो टारगेट रहेंगे वो 16,900, उसके बाद में अगर वो टूटता है तो 16,600 से लेकर 16,500 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। अभी देखते हैं आवरली चार्ट। तो आवरली चार्ट पे आप देखोगे तो यहाँ जो है तो हमने नीचे गैप डाउन ओपनिंग देखी, वहाँ सपोर्ट लेने के बाद एक बाउंस बैक दिया, फिर से इसने यहाँ जो है तो 50 आवर का जो एवरेज है उसको टेस्ट किया, वहाँ से फिर से गैप डाउन दिया, अभी यहाँ से फिर से जो है तो राउंडिंग बॉटम बना रहा है। तो यहाँ आपको अगर मार्केट जो है तो कल के लिए, कल एक्सपायरी है तो कल के लिए मार्केट हो सकता है कि 200 और 300 के लेवल टच करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जिस तरह से ये प्राइस पैटर्न बना हुआ है आवरली चार्ट पे, मुझे लगता है कि आपको सेफली जो है तो वही लेवल 200 से 300 के बीच में हमें बेचना है। और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 300 के ऊपर हम सेफली थोड़ा सा 400 के अराउंड स्टॉप लॉस रखेंगे, टारगेट 16,900 और उसके बाद में मुझे लगता है कि 16,600 के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ जो है तो जिस तरह से FII बेच के जा रहे हैं, आपको यहाँ मार्केट में जब ये DII की पावर ख़त्म हो जाएगी बाइंग की और रिटेलर भी थक जाएंगे, तो आपको यहाँ मार्केट में एक स्लंप आता हुआ दिखेगा जो डाउन साइड पर आपको एक बड़ी मूव देगा। तो यहाँ मेरा मोस्टली सेल ऑन राइज व्यू रहेगा। ऑप्शन ट्रेडर है तो आपको फोकस करना चाहिए 17,300 का पुट ऑप्शन पे, इन द मनी पुट ऑप्शन है उस पर फोकस रहेगा, उसको जो है तो डिप्स पे बाय करना है। अगर आपको फ्यूचर के जैसे रिटर्न चाहिए तो 17,400 का जो पुट ऑप्शन है कल के एक्सपायरी का, उसको जब निफ्टी 200-250 के अराउंड आएगा तब उसमें एक्युमुलेशन स्टार्ट करना है विथ अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, और स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है उसको भी। और टारगेट जो है तो मुझे लगता है आपको 2x-3x टारगेट देखने को मिल जाएगी कल। मुझे लगता है कि 16,900 का जो लेवल है वो हमें शायद लेटर हाफ में देखने को मिल सकता है। यहाँ हम मोस्टली बाउंस बैक पर ही बेचेंगे, अगर मार्केट नीचे खुलता है तो यहाँ जो शॉर्ट पोजीशन लेना वो इतना सेफ नहीं होगा, आप ले सकते हो मगर उसमें वो भी आपको लेनी है तो स्टॉप लॉस के साथ लेनी होगी, और उसमें स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ जो है तो मार्केट रिस्क रिवॉर्ड जो है तो आपके फेवर में नहीं रहेगा उस कंडीशन में। तो यहाँ डाउन अगर मार्केट नीचे खुलता है तो हम छोड़ देंगे, मगर जिनके पास ऊपर के लेवल पे शॉर्ट बना हुआ है उन्हें वो जो है तो फिर से आप जो है तो 16,900 और 16,600 के टारगेट अभी भी होल्ड कर सकते हो। अगर मार्केट बाउंस बैक देता है तो एक परफेक्ट शॉर्ट बनेगा 250-300 के अराउंड, तो वो हम ज़रूर लेंगे, और इन द मनी पुट ऑप्शन जो है तो बाय करके हम
ऑप्शन में भी उसको प्ले कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो मार्केट हमारे फेवर में जाता है तो हमें फ्यूचर के जैसे आपको रिटर्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो इन द मनी पुट ऑप्शन है और एक लेवल के बाहर जाने पर उसका डेल्टा जो है तो लगभग एक हो जाता है, तो लगभग लगभग हमें फ्यूचर के जैसे ही प्रॉफिट उसमें दिखाई दे सकते हैं। हालांकि उसमें इन्वेस्टमेंट फ्यूचर से कंपेरेटिवली बहुत कम लगता है, और कल जो है तो टाइम वैल्यू कुछ भी नहीं बचेगी ऑप्शन में, तो वो भी एक प्ले रहेगा। सिर्फ यहाँ दिक्कत एक है कि मार्केट कहाँ खुलता है, अगर रेजिस्टेंस के अराउंड खुलता है तो ही एक परफेक्ट शॉट बनेगा, अगर नीचे खुलता है तो भी हमारे टारगेट वही रहेंगे, सिर्फ वहाँ जो है तो वहाँ फ्रेश पोजीशन नहीं ले सकते, और अगर लेंगे भी तो आपको एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ लेना होगा और वो भी ट्रिगर होने की ज़्यादा संभावना है। तो मोस्टली आई विल अवॉइड शॉर्ट्स ऑन लोअर साइड, अगर रेजिस्टेंस के अराउंड मिलता है तो ज़रूर शॉर्ट जाएंगे, और यहाँ जो व्यू रहेगा वो बियरिश साइड ही रहेगा मेरा। तो आई होप सो कि जो एनालिसिस है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और जिन्होंने ऊपर शॉर्ट किया होगा उन्हें आज जो है तो अच्छा खासा मुनाफा देखने को ऑलरेडी मिल चुका है। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे साथ लाइव मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो मेरे श्योर शॉट कॉल पे, तो मेरी प्रीमियम सर्विस ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.